हे गाइस वेलकम टू डिजिटल बॉस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 8.9.20 के बारे में। यहाँ पर हम आपको बताने वाले चेंज लुक प्रीव्यू की यहाँ पर क्या क्या फिक्स हुआ है और क्या क्या आपको न्यू देखने मिल सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों इस महीने का ये आखिरी ग्लोबल बीटा रोम होगी जाने की, दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर कुछ चाइना में छुट्टियाँ पड़ रही है, जाने की कुछ हॉलीडेज आ रहे हैं, तो उसके कारण आपको जो नेक्स्ट अपडेट मिलेगी यहाँ पर बीटा रोम की वो नेक्स्ट मंथ ही मिलेगी और 10 तारीख के बाद ही मिलेगी। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में यहाँ पर क्या क्या फिक्स देने मिलेगा। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आज की हमारी वीडियो शुरू से लेकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे साथ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पास वाला नोटिफिकेशन का आइकन आएगा आपने उस पर क्लिक कर देना है ताकि जब भी हम नए की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। और दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक का, तो दोस्तों आपने लाइक करके जाना है, चाहे दोस्तों कुछ भी हो जाए आपने आज 100 लाइक पूरे करने हैं और आज के आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या यहाँ पर है खास। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस अपडेट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बग फिक्स देखने मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं इसके बारे में हमारे ये दो अपडेट नहीं आएंगे और उसके बाद में तीसरा अपडेट ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। जो बीच के दो यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट आने वाले थे वो कैंसिल हो चुके हैं, तो इसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ा ये अपडेट दे दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या फिक्स देखने मिलेगा। नंबर एक पर आता है फेस अनलॉक ऑप्शन डिसअपेयर व्हेन चेंजिंग रीजन टू थाईलैंड। जाने के अगर आपके पास पोको F1 है तो जब आप उसका जो रीजन है थाईलैंड पे सेट करते थे तो जहाँ पर जो आपका फेस अनलॉक का फीचर था तो वो हाइड हो जाता था, तो वो जाने वो दिखता नहीं था, तो ये आप फिक्स कर देगा इस अपडेट में जो आएगी। उसके बाद में सेकंड चेंज की बात करते हैं कि जो बैटरी का जो लोकेशन थी जो आइकन था वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, जाने की जो आपका नेटवर्क सिग्नल था तो उसके पास पहुँच गया है बैटरी का इंडिकेटर। दोस्तों ये वाला अपडेट आएगा इस सभी डिवाइसों के लिए आएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर थर्ड चेंज की, तो लीक्स एप्लीकेशन इज इंस्टॉलेड ऑटोमेटिकली ओल्ड डिवाइस। तो दोस्तों सभी डिवाइसों में से बहुत सारी बात ये देखने मिल रहा था MIUI 10 में कि जो भी एप्लीकेशन लीकेज होती थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाती थी, तो दोस्तों ये भी इस बार फिक्स कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिक्स की, इन रोटेशन ऑफ स्क्रीन नोटिफिकेशन पैनल शोज PM AM फर्स्ट देन टाइम। तो दोस्तों ये वाला जो बग था ये आ रहा था यहाँ पर नोटिफिकेशन में, तो जब आप अपने डिवाइस को रोटेट करते थे तो जाने के दोस्तों जब आप अपने डिवाइस को हॉरिजॉन्टली यूज करते थे तो जब आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को स्क्रॉल डाउन करते थे तो यहाँ पर पहले AM या PM पहले लिखा हुआ था उसके बाद में टाइम लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये फिक्स कर दिया गया है, अब जो टाइम पहले आएगा उसके बाद AM PM बाद में आएगा। तो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चेंज की, फिक्स रियर कैमरा एरर इन हार्डवेयर टेस्ट। जाने के जो आपके सिक्योरिटी ऐप में जो हार्डवेयर टेस्ट का ऑप्शन आया था तो वहाँ पर जो रियर कैमरा हमेशा फेल हो जाता था उसमें एरर दिखा देता था, तो वो इस बार फिक्स कर दिया गया, ये सभी डिवाइसों के लिए फिक्स किया गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चेंज की, तो सम ऐप आइकन आर नॉट शोइंग इन नोटिफिकेशन पैनल। तो दोस्तों ये तो सभी के लिए परेशानी आ रही है बहुत सारी डिवाइसों के लिए, ये रेडमी नोट 5 और रेडमी नोट 5 जो ग्लोबल तौर पर है तो इन सभी में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पर जो आइकन्स नहीं शो हो रहे थे नोटिफिकेशन पैनल में, तो वो इस बार आपको शायद फिक्स देखने मिल सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिक्स की, फोटर इन WhatsApp नोटिफिकेशन ओवरलैप्ड विद न्यू मैसेज इन्फॉर्मेशन। जानने की जब आपका कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आती थी जाने जो WhatsApp पर मैसेज आता था, लेकिन दोस्तों जो पुरानी नोटिफिकेशन होती थी तो उसके ऊपर ये न्यू नोटिफिकेशन ओवरलैप हो जाती थी, तो दोस्तों ये वाला इशू भी इस बार फिक्स देखने को मिल जाएगा आपको। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिक्स की, तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट चेंज आ रहा है टेक्स्ट इन वॉल्यूम बार डो नॉट ट्रांसलेट टू रशियन। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं MIUI 10 में वर्टिकली जो डिस्प्ले पर वॉल्यूम के हाई और लो करने के लिए तो वहाँ पर नीचे जो आइकन थे जाने के जो टेक्स्ट थे वो रशियन में ट्रांसलेट नहीं हो रहे थे, तो वो इस बार फिक्स कर दिया गया है। वैसे हमें तो रशिया आती नहीं है, अगर किसी को आती है तो भैया कर लेना फिक्स हो जाएगा इस बार। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चेंज की, तो लिखा हुआ सम कैरेक्टर इन वॉल्यूम पैनल आर नॉट ट्रांसलेट टू रशिया। तो ये भी वही कहा है इन्होंने कि जो आपके सब कैरेक्टर जहाँ पे टेक्स्ट थे वो रशिया में ट्रांसलेट नहीं हो रहे सभी डिवाइसों में, तो वो इस बार फिक्स देखने मिल जाएगा। तो नेक्स्ट फिक्स की बात करते हैं MI स्टोर डज नॉट वर्क। जाने कि बहुत सारी डिवाइसों में जो MI स्टोर था वो वर्क नहीं कर रहा था, अगर वो वर्क कर भी रहा था तो थोड़ा चलने के बाद स्टॉप हो रहा था जहाँ एरर दिखा देता था, तो वो इस बार फिक्स देखने मिल जाएगा आपको। इसके बाद फिक्स की बात करते हैं वॉल्यूम पैनल डिस्प्ले एबनॉर्मली। जाने कि जो आपके जो वॉल्यूम पैनल था ना वो डिस्प्ले ढंग से नहीं करता था, जाने कभी वो ऐसा लगता जैसे लैग हो रहा हो और कई बार उसमें फ्रेमिंग इशू देखने को मिलता था, तो इस बार फिक्स देखने मिल जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट फिक्स की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट मैसेज सेटिंग इन टेक्स्ट क्रॉप्ड विद द लोएस्ट साइज। जाने कि जब आप
सबसे कम साइज वाला टेक्स्ट यूज करते हैं, जाने की सबसे स्मॉल साइज होता है। अगर आप उसे यूज कर रहे थे तो आपके जो प्राइवेट मैसेज में सेटिंग वगैरह थी या कुछ वो जो टेक्स्ट थे वो क्रॉप हो रहे थे यानी कट रहे थे, पूरे शो नहीं हो रहे थे, तो इस बार इसमें फिक्स देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो अभी भी MIUI 10 बीटा में देखने मिल रही थी वो सारी इसके सारे इस अपडेट से फिक्स हो सकती हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यही थी जानकारी। अगर आपको आज की हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।